गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पुनरावर्तन के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ नंबर 5 और 6। पाठ 5 जो है एक कविता है जिसका शीर्षक है धरती को महकाए। इसका कविता में जो है इसका सरल अर्थ है कि जो बागीचा है, बगीचा के जो फूल हैं उनको देखो, वो किस तरह से जो है हर दुख और परेशानी को झेलते हैं, चाहे आंधी हो या बरसात, वो इनको झेलते हुए हमेशा कैसे रहते हैं, खुश खुश रहते हैं। और सूरज की किरणों को देखो, वे प्रतिदिन धरती पर आते हैं और रात के अंधेरे को दूर करके सारे संसार को जो है रोशनी देते हैं। दीपक को देखो, यानी दीपक का उदाहरण देते हुए क्या है कि उसको देखो, वो किस तरह से जो है हर समय खुद कष्ट झेलता है और अपने हृदय को जलाता है, लेकिन दुनिया को जो है उजाला देता है। आओ हम भी इंसान बने और संसार में अपना जो है नाम रोशन करें, अपना यश फैलाएं, हम अच्छे अच्छे काम करें और हमारे अच्छे कामों से धरती जो है सुंदर एवं सुगंधित बने। यानी इस कविता के माध्यम से जो है वो कवि लोगों को जो है परोपकार की भावना को जगाने की कोशिश करता है, लोगों के मन में परोपकार की भावना को जगाने की कोशिश करता है। इसमें जो है प्रश्न है कि खुश खुश कौन रहते हैं, खुश खुश जो है फूल रहते हैं, सूरज की किरणें रोज कहाँ पर आती हैं, धरती पर आती हैं। दीपक क्या जलाकर दुनिया को रोशनी देता है, हृदय जलाकर, अपना अंतर जलाकर दीपक किसको रोशन करता है, वो दुनिया को रोशन करता है। हम अच्छे अच्छे और सच्चे काम करके किसको महका सकते हैं, धरती को महका सकते हैं। आपके आसपास में जो है कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं, हमारे आसपास में जो फूल हैं वो कैसे हैं, जैसे गुलाब, गुड़हल, चंपा, चमेली, पारिजात, गेंदा, सदाबहार आदि जो है फूल हमें दिखाई देते हैं। प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं, प्रकृति के जो है तत्व फूल, सूरज, दीपक, जल, वायु आदि। कौन फूलों को हंसने से नहीं रोक पाता है, आंधी और पानी, आंधी और जो है बरसात जो है फूलों को हंसने से नहीं रोक पाते हैं। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हम प्रसन्न रहकर यानी खुश रहकर जो है धरती को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं और संसार में जो है अच्छे और सच्चे। जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए। प्रकृति से हमें क्या मिलता है, प्रकृति से हमें जल, वायु, प्रकाश और गर्मी या धूप कहेंगे और भोजन आदि मिलता है। इनमें जैसे कुछ मुहावरे हैं, रोशन करना, रोशन करना यानी प्रसिद्ध होना, इंसान बनना यानी परोपकारी होना, नाम कमाना यानी प्रसिद्धि पाना। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें वचन परिवर्तन, जैसे वचन परिवर्तन क्या है, इसमें एक वचन है उसको बहुवचन में बदलना है, जैसे लड़का है तो लड़के, पेंसिल का तो पेंसिल, पौधा पौधे, आपके बुक में जो है कुछ इस तरह से जो है चित्र दिया हुआ है, इनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। मतलब जैसे यहाँ पे चित्र जो है निशान जो है किसका है, पाठशाला का, ये चिकित्सा केंद्र का, इस तरह का अगर निशान कहीं देखो तो वो मतलब चिकित्सा से संबंधित होता है। ये पेट्रोल पंप का और ये सार्वजनिक टेलीफोन का। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसमें है एक लड़की जिसका नाम रेशमा है, वो पोलियो से ग्रस्त हो जाती है और अब जो है इससे बचने के लिए क्या है, लोग सरकार ने क्या चलाया है, पोलियो की दवा जो है पिलाई जाती है बच्चों को,
बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए जो है पोलियो की दवा पिलाई जाती है। यह एक सच्ची घटना है। इसमें पोलियो विकलांग जो बालिका है रेशमा, अपनी सूझबूझ और साहस से अपने छोटे भाई को रक्षा करती है, उसको बचाती है, और इसमें उसकी शारीरिक और उसके इरादों में कभी बाधा नहीं पड़ती। वह अपना जीवन जो है परिश्रम एवं जिंदा दिली से जीती है। इसमें बताया गया है कि रेशमा जो है, दिवाली का समय था, घर में सफाई हो रही थी, जिसमें रेशमा जो है वो भी अपनी माँ को मदद करना चाहती है। इस पर वो माँ उससे बोलती है, माँ इसलिए काम नहीं करवाती है क्योंकि वो विकलांग है। वो जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर जो है काम नहीं करते थे। उसका रीजन था कि उसको तेज बुखार हो गया था और उसमें घुटनों के दोनों पाँव उसके बेजान हो गए थे, उसको पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो 11 साल की हो गई है और वो अपने सारे काम खुद करती है। वो अपने परिवार के ऊपर अपने काम के लिए जो है निर्भर नहीं रहना चाहती। उसके परिवार के सदस्य में उसके पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादा दादी और उसकी माँ सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। जो रेशमा जो है अपनी माँ को जो है रसोई में हाथ बटाती है, किस तरह से कि वो जो है माँ को सारा सामान जो है किचन का एक एक करके पकड़ाती है, लेबर लगा के देती है और वो माँ उसको किचन में रख देती है। फिर बाद में वो लड्डू बनाने के लिए जो है माता को, उसकी माता को सामान चाहिए होता है, लेकिन उसके पिताजी दफ्तर चले जाते हैं और दादा दादी जो है बुजुर्ग हैं, तो इसलिए जो है सामान की लिस्ट और थैला लेकर वो जाती है और सामान लेके आती है। नुक्कड़ वाली दुकान से उसको सारा सामान मिल जाता है। साथ में वो गोलू के लिए टॉफी लेकर आती है, जिस पर वो खुश हो जाता है। दिवाली के दिन में जो है उसकी दादी जो है बताती है कि दादी जी जो है उसको रेशमा को जो है दिवाली के त्यौहार के बारे में बताती है कि रावण को पराजित करके जो राम अयोध्या लौटे थे, इस खुशी में जो है दीपावली मनाई जाती है। फिर बाद में रेशमा जो है पूजा करने के बाद दिवाली में दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जलाती है, जिस पर वो देखती है कि गोलू जो है जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ आया था उसमें से चिंगारी निकल रही थी और गोलू की पीठ जो है उस पटाखे की तरफ थी, जिससे रेशमा चिल्लाती है गोलू गोलू, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर वो कुर्सी को धकेलते हुए रेशमा जो है गोलू के पास जाती है, उसको धक्का दे देती है और जिससे उसकी जान बच जाती है, वो गोलू जलने से बच जाता है। धमाके की आवाज़ सुनकर जो इसके माता पिता भी बाहर आते हैं और कुर्सी जो रेशमा की जो है कुर्सी धक्का देने के कारण गिर जाती है और रेशमा नीचे गिर जाती है, जिससे उसके पिताजी कुर्सी को सीधी करते हैं और रेशमा को उठाकर बिठाते हैं। इस पर जो है सभी लोग जो है उसको शाबाशी देते हैं क्योंकि वो उसकी जलने से गोलू को बचा लेती है। वह एक जिंदा दिल और परिश्रमी लड़की है जी रही है, जो रोज सुबह उसकी हर सुबह जो नई सुबह होती है और हर काम में वो नए इरादे से जुट जाती है। इसके अंतर्गत पाठ में जो है मुहावरे हैं, आंखों का तारा होना, हाथ बटाना और पीठ थपथपाना। आंखों का तारा होना का मतलब है बहुत प्यारा होना, हाथ बटाना मतलब इस काम में मदद करना, पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। स्वाध्याय के अंतर्गत इसमें क्वेश्चन है, जैसे कि सुबह से घर के लोग सभी सफाई क्यों कर रहे थे, क्योंकि त्यौहार पास में आ रहा था, दीपावली का त्यौहार पास में आ रहा था, इसलिए सभी लोग सफाई कर रहे थे। रेशमा को जो माँ ने बाजार क्यों भेजा था, क्योंकि घर में कोई नहीं था, पिताजी दफ्तर चले गए थे और सामान लाने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने जो है रेशमा को बाजार भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा, क्योंकि उसको पटाखे से बचाने के लिए, जलने से बचाने के लिए रेशमा ने उसको धक्का मारा। इसमें कुछ जो चित्र है वो दिए हुए हैं, शब्द जिसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे की और की। ये की
चंद्रमा है वो किस तरह का होता है,
कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, और फुटबॉल के लिए वो गोल हो जाता है गेंद की तरह, और सभी लोग उसको क्या बोलते हैं, मामा, तो चंदा मामा, इसलिए इसका आंसर क्या है, चंद्रमा। बड़े सवेरे उठती हूँ मैं, जहर गगन की करती हूँ मैं, आलस सुस्ती तनिक न करती, हरदम की कुछ करती हूँ मैं। तो यहाँ पे चित्र किसका दिया है, चिड़िया का। तो सुबह सुबह चिड़िया की चहचहाट हमें सुबह सुबह सुनाई देने लगती है ना, और आकाश में चिड़िया उड़ती है, पक्षी जो होते हैं आकाश में उड़ते हैं और आलस भी नहीं करते हैं, और हमें तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसमें आंसर किसका है, चिड़िया। इसके अलावा लास्ट चैप्टर आपका है, रह गया है आठ, पार्ट आठ, राजा का हिस्सा। देखा करते थे और जहां तक हो सकता था उसको दूर करते थे। एक बार राजा अपनी रानी के साथ रथ पर घूम रहे थे, राजे का भ्रमण कर रहे थे, वो राजधानी से बहुत दूर निकल गए। फिर बाद में उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में हल जोत रहा है और उसके पास एक ही बैल है, दूसरे बैल के स्थान पर जो उसकी पत्नी जो है हल चला रही होती है, खींच रही होती है। राजा भूज यह देखकर जो है आदमी को बोलते हैं कि भाई तुमने हल उसको क्यों जोत, स्त्री को क्यों लगाया है उसमें। तो फिर वो बोलता है कि मेरा एक बैल मर गया है और मेरे पास दूसरी स्त्री बैल खरीदने की जो है पैसे नहीं है, और अगर मैं नहीं जोतूंगा तो दोबारा से मैं क्या खाऊंगा, यानी अगर मैं खेत नहीं जोतूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, यह कहकर वो दोबारा काम में लग जाता है। फिर वो बोलता है कि उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। फिर राजा कहता है, अरे भाई सुनो, तो जो कहना है मेरे साथ साथ चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। फिर किसान कहता है कि जो कुछ भी कहना है तो मेरे साथ चलते हुए कहो, मेरा काम में टांग मत अड़ाओ मुझे, यानी रोको मत, रुकावट मत डालो। राजा फिर चलते हुए जो है उसको देखता है, और राजा भूख जो है उसके काम के प्रति लगन को देखकर खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी पत्नी तो थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा काम भी नहीं कर पाएगी, इससे अच्छा है कि तुम्हें मैं एक बैल देता हूँ और तुम्हें जो है यानी तुम्हें बैल देता हूँ जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं इतनी दूर काम नहीं रोक सकता हूँ। किसान बोलता है कि तुम ही लाकर मुझे बैल दे दो। फिर वो राजा बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अपनी पत्नी को मेरी पत्नी के जो है पास भेज दो, वो बैल दे देगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, तब तक मैं तुम्हारे बैल में तुम्हारे जो है हक में मैं झुकूंगा। किसान इस बात पर राजी हो जाता है, मान जाता है, वो राजा भोज जो है उस हल में जुट जाते हैं और किसान की पत्नी रथ के पास जाती है। रानी जो सारी बात बताती है रानी को, रानी उसकी बात सुनकर उसको जो है दोनों बैल दे देती है। दोनों बैल क्यों देती है, क्योंकि रानी कहती है कि तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा और वो मेरे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों बैल लेकर जाओ। किसान खुश हो जाता है और राजा फिर प्रसन्न होकर बोलता है कि अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। वह फिर बाद में राजा को जो है उसको अपना परिचय देता है, जिसे किसान जो है शर्मिंदा हो जाता है, उसे राजा से बार बार क्षमा मांगता है। राजा खुश होकर वापस चला जाता है और कुछ दिनों के बाद जब फसल अच्छी होती है तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उस जितने खेत में जो है राजा ने जोता था उसमें जो है मोती उगे हुए थे और बाकी के जो खेत में क्या उम्दा किस्म अच्छी प्रकार की जो है गेहूँ उगे हुए थे। किसान खुश होता है और सारे मोती इकट्ठे करके जो है राजा के पास जाता है। उसने सारे मोती जो है राजा को दे देता है और सारी कहानी उसको बताता है। राजा कहता है कि ये मोती जो है तुम्हारे खेत में उगे हैं, तो इस पर जो है तुम्हारा हक है, इन्हें तुम्हें अपने पास रखो। तो फिर महाराज वो बोलता है, किसान बोलता है कि नहीं महाराज, ये आपने मेहनत किया है, इसमें आपकी मेहनत का फल है, ऐसे मैं नहीं ले जाऊंगा।
फिर वो कहता है कि मेरी प्रार्थना है कि इसको आप राजकोष में जमा कर दें और जो गरीब हैं दुखी हैं उनकी मदद के लिए काम मिले। किसान उसको की बात सुनकर जो राजा खुश हो जाता है और उसको उसकी मोती स्वीकार कर लेता है। इस कहानी में जो है यही है कि राजा जो है दयालु था और किसान जो है मेहनती था। तो हमें भी जो है मेहनती होना चाहिए और दूसरे के प्रति दया भावना रखनी चाहिए। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करता है? किसान जो है हल और आदि का प्रयोग करता है। ट्रैक्टर आदि, हल बैलों की जोड़ी, ट्रैक्टर आदि के साधनों का प्रयोग करता है। किसान जो है खेती के लिए कौन सी फसलें उगाता है? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार आदि फसलें पैदा करता है। तो बच्चों आपका यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पुनरावर्तन के अंतर्गत 7 और 8 चैप्टर भी यहाँ पे हुआ। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नमस्कार।